तो ये मेरे लिमिट्स का स्पेशल रूल है, लापेटाल्स रूल। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, सबसे पहले चेक करने का, अगर मैं एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए डालूं तो क्या एफ ऑफ ए जीरो आ रहा है? एज वेल एज अगर मैं जी ऑफ एक्स में भी एक्स के जगह पर ए डालूं तो क्या जी ऑफ ए भी जीरो आ रहा है? अपने को ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये आ रहा है दोनों, हाँ दोनों, अगर मुझे ये दोनों आ रहा है, एफ ऑफ ए भी जीरो आ रहा है, जी ऑफ ए भी जीरो आ रहा है, तो मेरा लिमिट में लापिटाल वैलिड है। अब ये बोलता है कि द आंसर टू दिस विल बिकम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश ऑफ एक्स। यू बाय वी रूल नहीं लगाना है, नहीं, ऊपर का डेरिवेटिव अलग से लेना है, नीचे का डेरिवेटिव अलग से लेना है। तो इट इज कॉलिंग इट सेल्फ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। ऐसा हो गया, ये लिमिट ऐसा बन जाता है। हो सके तो वापस चेक करो, क्या एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह ए डाला तो जीरो आ रहा है, जी डैश ऑफ ए क्या ये भी जीरो आ रहा है? तो ये बोल रहा है क्या एफ डैश ऑफ ए एंड जी डैश ऑफ ए दोनों जीरो आ रहे हैं? अगर अभी भी आ रहे हैं, अगर अभी भी आ रहे हैं तो इसी चीज को आगे बढ़ा सकते हो। दैट इज ये कहेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डबल डैश ऑफ एक्स, यानी ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। ये ऐसे चलता जाएगा और जहां तुम्हें लगे कि ये दोनों जीरो नहीं आ रहे हैं, मतलब समझ लो लिमिट का आंसर आ गया। ऑब्वियसली ए डालने के बाद, ए डालोगे और तुम्हें ये इक्वल इक्वल नहीं आएगा, जीरो जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। समझ जाने का मेरा आंसर आ गया। टेल मी, रफली रफली ही सही मेथड समझा गया? यस सर, मैं मानता हूं कई बच्चों को बोले, कई बच्चा बोलेगा सर अभी कैसे समझेगा इतना जल्दी। ठीक है, मैं इसलिए बोला रफली रफली, अगर ऊपर ऊपर से भी कुछ समझ गया होगा ना तो भी अपन गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं कि ठीक है इतना समझा ना, चल आगे का मैं संभलता हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अपने टेक्स्ट बुक में सम था, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, अगर उसको थियरी वाइज करने जाएगा तो बच्चे लोग को कम ही क्लिक होता था कि इतना स्टेप्स कहाँ से क्या घुमाने का। क्वेश्चन ऐसा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय फोर। यस, ये सम था लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय फोर, 1 माइनस टेन एक्स। इट वॉज 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स। अपना लिमिट्स का सम था ऐसा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय फोर 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स। ओरली चेक कर सकते हो वैसे तो, अगर मैंने न्यूमरेटर में एक्स के जगह पाई बाय फोर डाला तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन पाई बाय फोर। टेन पाई बाय फोर खुद 1 होता है, तो 1 माइनस 1 आंसर इज 0। डिनोमिनेटर चेक किया, 1 माइनस रूट 2 साइन पाई बाय फोर, पाई बाय फोर मतलब ऑब्वियसली 45,
तो ये भी साइन 45 है जो 1/√2 होता है, तो यहां पे भी 1/√2 आया, √2 कैंसल, 1 - 1 = 0, यानी कंफर्म हो गया, न्यूमरेटर भी जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो आ रहा है। अगर मैं इतना कंफर्म कर लेता हूं, न्यूमरेटर जीरो डिनोमिनेटर जीरो, तो मैं लापिटाल लगा सकता हूं। ये जो साइड में मैंने रेड कलर में किया वो ओरली करने का है, कहीं कुछ दिखाना नहीं है। नाउ लापिटाल ने क्या बोला था, ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। तो जब वो ऊपर का डेरिवेटिव मारेगा, दैट इज 1 - tan x का, उसमें 1 को तो कुछ होगा नहीं, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस रहेगा, और tan x का डेरिवेटिव आएगा sec²x। जाहिर है ये सब करने के लिए बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। नीचे 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, फिर -√2 को कुछ नहीं होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अभी मुझे क्लियर दिख रहा है, नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर 0 0 नहीं आ रहा है। अब अगर मैं sec² में π/4 डालूं, sec 45 होता है √2, तो ये बैठेगा √2 का स्क्वायर विच इज 2, और cos π/4 होता है 1/√2, उसके साथ में भी एक √2 है, तो √2 into cos π/4, म्हणजे ये बोलेगा √2 into 1/√2, √2 √2 कैंसल, आंसर इज 1। हाँ कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यश को तो आएगा क्योंकि यश ने ये रूल पहले ही सीख लिया था, बाकी लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आई स्टिल रिमेम्बर, यश ने पूरा एक होमवर्क में पूरा लापेटाल लगा डाला था मेरे सिखाने से पहले। इसके लिए मुझे पता है कि उसको आता है। अच्छा, जब ये कंफर्म हो गया कि अब ऊपर 0 और नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है क्या? तो sec²x का वैल्यू आया है sec²π/4 विच इज 2, और नीचे √2 cos π/4 का वैल्यू आया है 1, खत्म। इस लिमिट का आंसर 2 होता है। इस इतना फास्ट आपको थियरी नहीं करके दे सकता है। लापिटाल इज अ बेस्ट रूल पॉसिबल इन लिमिट्स, कोई भी सम ले लो, इनफैक्ट वर्ड रॉन्ग यूज किया, कोई भी तो नहीं, 80% सम्स लापिटाल आराम से निपटा देगा, 80%। 20% में हो सकता है आपको 11th स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड मेथड्स याद करने पड़े। देखो एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, टेन एक्स माइनस साइन एक्स, टेन एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब, ये भी एक सम है और काफी फेमस सम है एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम सीईटी वगैरह 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 इज कंसर्न। अगर मैं न्यूमरेटर में 0 डालता हूं, मैंने पहले ही बोला ये रेड कलर का काम आपको ओरली करना है, अगर मैं न्यूमरेटर में एक्स को 0 डालता हूं तो ये दिखाएगा tan 0 - sin 0 विच इज इक्विवेलेंट टू 0 - 0, एंड हेंस द आंसर विल बी 0। और डिनोमिनेटर में तो एक्स का क्यूब है, मतलब 0 क्यूब, तो वो वैसे भी 0 आना है, यानी ये सम बोलेगा करेक्ट, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, लापिटाल लग सकता है। अगर लापिटाल बोलता है कि मैं लग सकता हूं, तो वो डेरिवेटिव लगवा लेगा। अब जब वो ऊपर का डेरिवेटिव अलग लेगा, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव फेंकेगा sec²x, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव फेंकेगा cos x,
तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा नीचे का अलग डेरिवेटिव लेगा, बोलेगा 3x2। ये स्टेज पे उसने ऊपर का डेरिवेटिव ले लिया अलग से, नीचे का डेरिवेटिव ले लिया अलग से। अब इस चीज में मुझे फिर से चेक करना है क्या अभी भी 0/0 आएगा। नीचे तो आ रहा है इतना पक्का है, 0। अगर मैं न्यूमरेटर में डाल के देखता हूं तो बंदा बोलता है सेक्स स्क्वायर 0 माइनस कॉस 0। अब नसीब से sec 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर वापस 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो ये एक्चुअली 1 माइनस 1 है एंड 1 माइनस 1 0 होता है। सो दिस बिकेम 1 माइनस 1 विच इज 0 एंड डिनोमिनेटर सेड 3x2 मीन्स 3 × 0² विच इज अगेन 0। मतलब अभी भी अपनी सिचुएशन उधर ही है। तो अगर मेरा अभी भी लापिटाल वैलिड है तो लगा दो, क्योंकि न्यूमरेटर में अभी भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में अभी भी 0 आ रहा है। सेक्स स्क्वायर एक्स जब डेरिवेटिव लेगा तो बोलेगा 2 sec x × dx of sec x, बिकॉज ये हुआ sec² of sec x। ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स है, अगर मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं, ये अपने आप को बोलेगा sec² of sec x। ऑफ के पहले आया sec², यानी एक तरह का x² x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 sec x, लेकिन ऑफ के बाद sec x भी तो आया था, उसका डेरिवेटिव वापस होता है sec x tan x। याद रखना 2 sec x आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। माइनस कॉस एक्स है तो डेरिवेटिव में आ गया +sin x अपॉन, नीचे भी डेरिवेटिव ले रहे हो 6 x आएगा, यानी ओवरऑल ये आया 2 sec² x tan x। इफ आई विल काउंट दिस ऑन, दिस इज 2 sec² x tan x 2 sec² x tan x +sin x। देखने जाए तो लापिटाल अभी भी वैलिड है तीसरी बार। बट आई टेल यू व्हाट, ये मोमेंट पे आप न्यूमरेटर स्प्लिट कर दो, आंसर वैसे ही आ गया। मर्जी है तुम्हारी, अगर अभी भी लापिटाल लगाना है लगाओ, अगले स्टेप में आंसर सामने खड़ा मिलेगा। मैं तो न्यूमरेटर स्प्लिट करके वैसे ही आंसर निकाल लूंगा, 2 sec² x tan x / 6 x। 6 इधर, x इधर, अब x tending to 0 है तो 11th स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड मेथड बोलता है tan x / x = 1 प्लस, ये बोलता है sin x / 6 x, तो उसमें से sin x / x 1 बोलेगा, यहां tan x / x ने 1 बोला, 0 डाला तो वैसे भी sec² x 1 ही आना है, तो मेरा आंसर आया 2/6 मंजे 1/3 +1/6 करके देखो, LCM 6 आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 2 + 1 3, यानी आंसर हाफ आ रहा है, 3/6 आंसर इज हाफ। क्या रे बाबा, कुछ समझा? यस सर, यस सर। बिल्कुल
बेसिकली लापिटाल कैसे अप्लाई होता है, कुछ जा रहा है माले पे। यस सर मोर इम्पॉर्टेंट वो है कि लापिटाल अप्लाई करना आना चाहिए बच्चे लोग को। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, कुछ भी हो जाए, ये चीज तुम, ये मेथड तुम कॉलेज एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करोगे। अगर तुमने ये मेथड को कॉलेज या बोर्ड में यूज किया ना, कसम से बोलता हूं तुम लोग की बैंड बज जाएगी। वो लोग कोई मार्क्स देने वाले नहीं है, जीरो मिलेगा, अल्टीमेट जीरो। इसके लिए मैंने पिछली बार जब एक बच्चे ने किया था तो मैंने उसको डांटा था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जीरो देता है अगर मैं लापेटाल लगाता हूं लिमिट्स में। तो सीटी देखने नहीं आ रहा कि मैं क्या मेथड लगा रहा हूं, तो कुछ भी लगाओ। नाउ दिस क्वेश्चन सेज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टैन एक्स प्लस टैन टू एक्स। डोंट वरी, अभी मैं स्टार्ट सब ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप से कर रहा हूं, धीरे धीरे अपनी बाकी वेराइटीज भी बीच में आएंगी। माइनस टैन थ्री एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अच्छा, तुम्हें मैं पहचानने का एक तरीका देता हूं कि सम लापिटाल में कितने स्टेप लेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा लापिटाल कितनी, जब कितनी बार तीन लगाना स्टेप है। हाँ करेक्ट सर, हमें कैसे पता चलेगा कितनी बार लगाना है। डिनोमिनेटर में देखने का कौन है, डिनोमिनेटर सबका राजा होता है। अगर डिनोमिनेटर एक्स क्यूब है और एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो डिनोमिनेटर एक्चुअली बोल रहा है जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो। बेसिकली काउंटिंग ऐसे करनी है, कितने जीरो मल्टीप्लाई, जितने जीरो नीचे मल्टीप्लाई होंगे लापिटाल उतनी बार लगने वाला है। फिर आप 11th स्टैंडर्ड के किसी मेथड को बीच में लाते हो तो वो बच जाएगा। जैसे ये वाले में ना, मैंने लापिटाल दो बार लगाया, लगना तीन बार था, पर आखिरी बार को मैंने स्टेप न्यूमरेटर डिस्ट्रीब्यूट करके निपटा दिया। अगर मैं देखूं, पहली बार लापिटाल इधर लगाया, दूसरी बार लापिटाल इधर लगाया। अब अगर मैंने दो बार लगा दिया, उसके बाद भी जब देखा ना, तो जीरो अपॉन जीरो बाकी था, मतलब कायदे से लगने वाला तीसरी बार भी था। लेकिन फिर मुझे क्लिक हुआ कि यार तीसरी बार लगाने से अच्छा है क्यों ना मैं 11th स्टैंडर्ड ठोक दूं, क्योंकि वो बन गया उधर, साइन एक्स अपॉन एक्स इज वन टेन एक्स अपॉन एक्स इज वन। इसीलिए तो ये एक बहुत सिंपल सा आइडिया होता है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एड सब्ट्रैक्ट नहीं। इधर भी एक्स क्यूब है, मतलब ये भी तीन वाला है। चलो पहली बार लापिटाल लगाया, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो न्यूमरेटर जीरो आएगा डिनोमिनेटर जीरो आएगा। वो ओरल चेक तुम लोग ने कर लिया, न्यूमरेटर पहले टैन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस, मैंने पहले ही बोला यू अपॉन वी रूल नहीं लगाना है, ऊपर का डेरिवेटिव अलग से लेना है, नीचे का डेरिवेटिव अलग से लेना है, यू अपॉन वी किसी हालत में नहीं लगाना है। तो ये हुआ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये ऑफ की लैंग्वेज हो गई, ये बोला टैन ऑफ टू एक्स, ऑफ के पहले टैन आया, इसीलिए डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर आया, एंगल वही रहेगा टू एक्स, तो ये बन गया सेक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स, तो वो टू आएगा माइनस, ये भी ऑफ है, ये कहेगा सेक्स स्क्वायर थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स विच इज थ्री। याद रखना, न्यूमरेटर में ले लिया, डिनोमिनेटर में भी लेना है, नीचे आएगा थ्री एक्स स्क्वेर। लापिटाल अभी भी वैलिड है।
अभी ये मैं ओरल ही कर रहा हूँ, ओरल चेक कर रहा हूँ, लापिटल अभी भी वैलिड है। तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अभी सेक्स स्क्वायर एक्स बोलेगा चल मेरा डेरिवेटिव मार, ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आएगा टू सेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विच इज सेक एक्स टेन एक्स, वो इसी सेक एक्स को स्क्वायर कर देगा टेन एक्स प्लस। चलो माना ये वाले टू को अभी कुछ नहीं होगा जो पीछे बैठा था, सेक स्क्वायर टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा टू सेक टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक टू एक्स विच इज सेक टू एक्स टैन टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स वापस टू माइनस, यहां थ्री को कुछ नहीं होगा, इंटू सेक स्क्वायर थ्री एक्स का डेरिवेटिव लिखने जाऊंगा थ्री सेक थ्री एक्स सॉरी टू सेक थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक थ्री एक्स विच इज सेक थ्री एक्स टैन थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स विच इज अ फर्दर थ्री एंड डिनोमिनेटर में आया सिक्स एक्स। यहां मैं प्रेफर करूंगा वैसे तो एक बार और लापेटा लगना है, नीचे वापस जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, पर यहां बेटर यू प्रेफर न्यूमरेटर स्प्लिट। या गाइस कुछ समझ में आ रहा है घनचक्करगिरी क्या चल रही है? यस सर, यस सर। अभी मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि डेरिवेटिव जो ले रहा हूं वो सबको समझ में आ रहा है डेरिवेटिव। हाँ यस सर। अब तुम खुद सोचो ये ऑफ की लैंग्वेज चेन रूल ये मैंने पहले नहीं कराया होता तो मैं लिमिट्स के एमसीक्यू कैसे करता? लिमिट्स के एमसीक्यू लापिटल मांगते हैं, लापिटल डेरिवेटिव मांगता है, वो भी चेन रूल तक। मैं वैसे भी नहीं कर पाता, जब तक मैं तुम्हें चेन रूल नहीं सिखाता मैं वैसे भी नहीं कर पाता, इसके लिए मैंने ये सिस्टम को रोक के रखा। गोइंग अहेड, न्यूमरेटर स्प्लिट किया ना तो अपने को शक्ल ऐसी दिखाई दी, टू सेक्स स्क्वायर एक्स टैन एक्स अपॉन सिक्स एक्स, वो जो डिनोमिनेटर है वो सबको जाना है, सिक्स यहां लिख एक्स यहां लिख ताकि वो बिंदास टैन एक्स अपॉन एक्स को वन लिख सके, इधर टू टू जा और ये वाला टू भी मिला के हो गया एट, सेक्स स्क्वेर टू एक्स टैन टू एक्स। अब अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो टैन टू एक्स के अपॉन में क्या होना चाहिए? टू एक्स करेक्ट, टैन 2x के नीचे 2x होना चाहिए, मेरे पास 6x रेडी है तो वो क्या करेगा उसका 3 बाजू में कर लेगा और 2x को यहां लिख देगा प्लस, यहां पे बैठता है 3 टू जा 6 और फर्दर 3 18, तो ये हो गया 18, ये हो गया sec स्क्वायर 3x, ये हो गया tan 3x। कम ऑन अब बताओ tan 3x को नीचे क्या चाहिए 1 बनने के लिए? 3x तो यहां 3x दिया, 6x था तो मैंने उसका 2 अलग से लिखा ऐसा। अब ये बोल पड़ा कि भाई मेरा tan x upon x is 1, मेरा tan 2x upon x is 1, मेरा tan 3x upon x is 1 एंड इफ दैट इज द केस, बाकी मैं तो जीरो डालूंगा, सेक्स जीरो वन ही होता है, टू अपॉन सिक्स कट कटा के वन अपॉन थ्री हुआ प्लस, ये तो एट अपॉन थ्री रहेगा, बाकी सेक्स स्क्वायर तो वो वन ही होने वाला है और ये नाइन रहेगा प्लस नाइन, एटीन अपॉन टू दैट इज नाइन। एलसीएम ले लो थ्री, ऊपर ये वन है
ये 8 है और 9 में नीचे कुछ भी नहीं है, तो 27 आएगा. दैट इज वो पूरा 3 9 में मल्टीप्लाई होगा. ये आ रहा है 36 अपॉन 3, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 12. कुछ समझा? तो ऊपर तो -3 × 2 है ना. हाँ बोल बोल बोल. अच्छा हाँ, तो मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है. प्लस माइनस में मैंने गड़बड़ कर दिया. करेक्ट करेक्ट, एकदम परफेक्ट. मेरा मिस्टेक, ऐसा मिस्टेक्स मैं करते रहता हूँ साला, मेरा ही प्रॉब्लम है. पर अच्छा है, अगर अलर्ट बच्चे रहेंगे तो मेरे को बताएंगे कि हाँ मेरा ही गलती हो गया. 1 + 8 = 9, 9 - 27 = -18. तो ये बना -18/3, मतलब -6. समझा? यस सर. यस सर. यस सर. बढ़िया. वेट, आई एम लुकिंग फॉर अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ. ये तो करते रहेंगे, दिस इज ओके फाइन. अभी लापिटाल रफली रफली समझ ही गया है. लेट्स से क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू. अब ये एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू पे उतर आया, जीरो नहीं. जैसे पहला वाला सम पाई बाई फोर पे था, ये पाई बाई टू पे है. तो ये बोलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू साइन ऑफ ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स. एक मिनट. हाँ बेटा. हाँ ऋषभ. हाँ ऋषभ बोल. ओके हाँ चलेगा बेटा. आज बहुत बारिश हुआ है ना, सुबह से साइक्लोन का प्रॉब्लम हुआ है ना, तो सब जगहों पे इंटरनेट का आज इश्यू चल रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड. डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ ना, वो ऋत्विक के हिसाब से मैं तेरे को भी दे दूँगा. ठीक है? या नो प्रॉब्लम बेटा. वेलकम. ओके, तो क्वेश्चन इज साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स. इट इज साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स. चला गाइस, लगाओ जजमेंट, लापिटाल वैलिड है कि नहीं है. जजमेंट लगाओ, लापिटाल वैलिड है या नहीं है? वैलिड वैलिड. व्हाट अबाउट बाकी के लोग? नहीं सर, 1/1 आ रहा है. 1/1 आ रहा है. चल. हाँ हाँ कोई नहीं बेटा, आपकी बात नहीं. एक बच्ची को 1/1 आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू क्लियर दैट अप. देख बेटा, एक्स अगर तेरा पाई बाई टू है तो साइन ऑफ एक्स तो पाई बाई टू लिखेगी, लेकिन साथ में कॉस पाई बाई टू भी तो लिखेगी ना. Yes, sir. और cos pi by 2 कितना होता है सोच? 0. 0 होता है. तो ये
साइन का जो एंगल था वो पाई बाय टू इंटू जीरो ऐसा हुआ ना? यस सर, गॉट इट। हाँ तो फिर ये साइन जीरो हुआ। अगर ये साइन जीरो हुआ तो उसका वैल्यू तो जीरो ही होता है ना? यस सर। यस यस सर। इतना तो श्योर हो गया कि न्यूमरेटर वन नहीं आ रहा है। अब अगर तू चेक करेगी तो डिनोमिनेटर भी वन नहीं आएगा। देख x पाई बाय टू है, चलो वो लिया मैंने, लेकिन एंगल में साथ में साइन पाई बाय टू भी है। अब साइन पाई बाय टू वन होता है, बाहर तो अभी भी कॉस पड़ा हुआ है, तो बाहर सिंस अभी भी कॉस पड़ा हुआ है ये कहेगा पाई बाय टू इंटू वन, साइन पाई बाय टू इज वन। तो डोंट यू थिंक ये भी कॉस पाई बाय टू बना? यस सर। हाँ तो अगर हाँ बोल, ये जीरो आएगा, कॉस पाई बाय टू विल बी जीरो, यानी हाँ बोल बेटा बोल ना, डाउट है? नो सर। नहीं नहीं एक बॉय को डाउट है शायद, उसने मेरे को बीच में रोका है। यस डियर। नो सर। ओके चलो, मुझे लगा तेरे को डाउट है सो आई शुड एंटरटेन, नो प्रॉब्लम। तो क्या बोलते हो, जीरो अपॉन जीरो है? यस सर। यस यानी लापिटाल लगा सकते हो। करेक्ट, यानी लापिटाल लगाया जा सकता है। तो ये बोलेगा ओके बॉस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू। अब उसने बोला था ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। अब ये कह रहा है साइन ऑफ, क्योंकि उसके बाद का गेम उसने ब्रैकेट दिखाया है, मतलब वो साइन का एंगल है, ये अपना साइन ऑफ है, तो ऑफ के पहले साइन आया, जिसका डेरिवेटिव होता है कॉस। एंगल सेम रहता है एक्स कॉस एक्स, लेकिन फिर ऑफ के बाद का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई भी होता है। अब ऑफ के बाद है एक्स कॉस एक्स, टेल मी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या, कैसे लोगे? यूवी। करेक्ट। मेरे को बस वो मेथड का नाम भी तुम लोग दे देते हो ना तो मुझे समझता है कि तुम्हें आता है। यस यूवी रूल, एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव यूवी रूल। एक्स कॉस एक्स में ऐसा होगा, एक्स को छोड़ा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को छोड़ा एक्स का डेरिवेटिव वन होल अपॉन। नीचे भी वही करना पड़ेगा, ऑफ सिस्टम तो नीचे भी है, ये बोलता है कॉस ऑफ, यानी ऑफ ऊपर भी था ऑफ नीचे भी था, और ऑफ के बाद यूवी रूल था, कॉस ऑफ तो डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन ऑफ, ये वही रहेगा एक्स साइन एक्स, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी वो जो एक्स साइन एक्स बचा वो यूवी रूल लगवा लेगा। जब वो यूवी रूल लगवाएगा, एक्स को छोड़ा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ा एक्स का डेरिवेटिव वन, कम ऑन ये स्टेप समझा? यस सर। यस सर। हाँ कोई मुझे ओरल जजमेंट लगा के या चलो कैसे भी करके बता सकता है लापिटाल अभी भी वैलिड है या नहीं? वैलिड।
लापिटाल अभी भी वैलिड है या नहीं? वैलिड वैलिड से एवरीबॉडी एग्री टू दैट? नो सर नो सर. पक्का यस या नो? नो सर. ठीक है, तो जो बच्चे ने नो बोला था एक बार वापस चेक कर. जिस बच्चे ने बोला था यस के लापिटाल वैलिड है, वापस चेक कर. इट इज नॉट वैलिड. हाँ तूने पहले बोला था ना वैलिड है. यस सर. हाँ सर, पर बाद में मैंने बताया कि नॉट वैलिड. ओके सो अगर लापिटाल वैलिड ही नहीं है तो वैल्यू डाल दे भाई. दिस विल बिकम कॉस ऑफ एक्स इज पाई बाय टू एंड उसमें कॉस पाई बाय टू इज जीरो, तो इट इज पाई बाय टू इंटू जीरो. ये इसका एंगल है. मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू विच इज वन प्लस कॉस पाई बाय टू विच इज जीरो डिवाइड बाय. नीचे आएंगे तो बोलेगा माइनस साइन पाई बाय टू इंटू वन और यहां फेंकेगा पाई बाय टू इंटू जीरो लेकिन प्लस वन. नाउ न्यूमरेटर में पैदा हुआ कॉस जीरो, कॉस पाई बाय टू नहीं, कॉस जीरो विच इज वन. वन इंटू माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, तो न्यूमरेटर में आया मेरा माइनस पाई बाय टू. डिनोमिनेटर में माइनस साइन पाई बाय टू इज वन और उसके बाद जो ब्रैकेट है वो वैसे भी वन है, यानी डिनोमिनेटर वाला आया माइनस वन. ये ले, ये आ गया तेरा आंसर पाई बाय टू. समझा क्या? यस सर. अब तुम खुद सोचो, ये वाला सम नॉर्मल मेथड से होता ही नहीं. सोच के देखो, आपको नॉर्मल मेथड में क्या दिमाग लगाना है? बिंदास लगाओ और लगा लगा के, दिमाग लगा लगा के कंफर्म करो कि कैसे आएगा आंसर इसका. अगर तुम्हें कुछ मिल जाए कि हाँ सर आ रहा है तो बताओ मेरे को, टेल मी. आएगा नॉर्मल मेथड से, मतलब अपने 11 स्टैंडर्ड वाले स्टाइल से आएगा क्या इसका आंसर? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. नेक्स्ट टू नॉर्मल मेथड से पॉसिबल नहीं है. लापिटाल ने कर दिया वही भला है. नाउ सी ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं. अभी ये देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अरे मैं कुछ और ले रहा था, मेरा पेन कहीं और चला गया, कोई बात नहीं. लापिटाल ही करना है मेरे को. सपोज लेट्स डू अ नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक सम. काफी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हो गई. लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, थ्री रेस टू एक्स बाय टू माइनस थ्री डिवाइड बाय थ्री रेस टू एक्स माइनस नाइन.
पहले कंफर्म करो लापिटाल वैलिड है कि नहीं है। यस यस सर लापिटाल वैलिड है। यस सर ओके डन 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 लापिटाल वैलिड है। यस द राइट थिंग इज लापिटाल वैलिड है। जैसे ही इसमें लापिटाल लगाओगे ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का डेरिवेटिव अलग। तो जब मैं बोलता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ऊपर का डेरिवेटिव अलग थ्री रेस टू एक्स बाई टू ये तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का डेरिवेटिव आता है थ्री रेस टू एक्स बाई टू लॉग थ्री। इसको वो एक्स बाय टू थ्री रेस टू एक्स बाय टू माइनस वन वो मत कर देना। ये बनेगा थ्री रेस टू एक्स बाय टू लॉग थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय टू विच इज हाफ होल डिवाइड बाय थ्री रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो सीधा सीधा आएगा थ्री रेस टू एक्स लॉग थ्री। वो ऊपर के माइनस थ्री का डेरिवेटिव भी जीरो ही लिखा मैंने और नीचे के माइनस नाइन का भी दोनों अकेले कांस्टेंट थे। चेक करके देखो लापिटाल खत्म लॉग थ्री कैंसिल। ऊपर हाफ आया वो ठीक है इंटू थ्री रेस टू एक्स बाय टू पर एक्स तो टू है तो थ्री रेस टू वन डिवाइड बाय थ्री रेस टू टू। तो एक तो ये थ्री बाय टू आया और ऊपर से नीचे नाइन भी है। आंसर इज वन बाय सिक्स। क्या बोलते हो कुछ गया माले पे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके एवरीबॉडी क्लियर इन दिस? यस सर। यस सर। ओके बढ़िया फिर लुक लेट मी मेक आई एम मेकिंग समथिंग। मुझे लिमिट्स निकालनी है किस चीज की? अब देखना क्वेश्चन बोलेगा लिमिट बनाना पड़ता है बेटा बनाना पड़ता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। मैंने सम बनाया लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। टेल मी लापिटाल वैलिड? यस गाइस लापिटाल है इसमें वैलिड है। Yes, sir. बता कैसे? No, sir. क्यों नो? जीरो रेस टू जीरो। अरे ये समथिंग अपॉन समथिंग नहीं है ना। याद कर मैंने लापिटाल जब स्टार्ट में समझाया तभी मैंने बोला था कि लापिटाल को अप्लाई होने के लिए फंक्शन अपॉन फंक्शन चाहिए होता है। लापिटाल की रिक्वायरमेंट ऐसी है देयर शुड बी अ फंक्शन अपॉन फंक्शन। लापिटाल की रिक्वायरमेंट फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है। समझा? यस। हाँ तो ऐसी गलती नहीं करना बाबा। वो जो था मेरा वो फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो उसमें तो लापिटाल वैसे ही ना बोल देगा। बट एज आई टोल्ड यू लापिटाल हर चीज का इलाज होना चाहिए। लिमिट्स चैप्टर का बेस्ट इलाज है लापिटाल। क्या करो अगर ये समथिंग अपॉन समथिंग नहीं है
कॉल दिस फंक्शन एज एल, कुछ भी नाम दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो, क्या फर्क पड़ता है, लिमिट का सम है इसलिए मैंने एल दे दिया। मैंने इस पूरे सम को नाम दे दिया एल और फिर लगाया लॉग ऑन बोथ साइड्स। मेरे को बेसिक तकलीफ क्यों हुई कि वेरिएबल पावर में क्यों है, अपॉन में क्यों नहीं है? अच्छा याद रखना, लॉग लगाने से लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लिमिट चौकीदार से ज्यादा कुछ नहीं है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये सिर्फ खड़े होके निगरानी कर रहा है कि भाई तुम लोग वो एक्सटेंडिंग टू का ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, बस और कुछ नहीं। तो लॉग सीधा यहां अंदर जाके लगता है, तो ये ऐसा हो जाता है लॉग ऑफ साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। आई वोंट फॉरगेट कि मेरे को आंसर एल का चाहिए, पर अब ये लॉग एल हो गया। जब मैं बोथ साइड्स पे लॉग लूंगा तो ये लॉग एल हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल में अपॉन क्रिएट होता नहीं है, करना पड़ता है। अगले स्टेप में ये कहेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू टेन एक्स लॉग साइन एक्स टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो लॉग एल ही है। तब जाकर ये बोला कि देयरफोर लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू। अब एक प्रॉब्लम है, अभी भी अपॉन में कुछ जनरेट नहीं हुआ है और मेरा नॉर्मल मैथ बोल वो भी कर सकता है। यस 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 वो भी कर सकता है, या मैं क्या बोलता हूं साइन अपॉन कॉस क्यों करता है, टेन एक्स को ही अपॉन में कॉटेक्स लिख देना सर। अगर साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हो जाएगा, मतलब हमें लापटल भी नहीं लगाना। ठीक है, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन को कैसे हो जाएगा? ठीक है सर, अगर हमने साइन एक्स लिखा और नीचे कॉस एक्स है, मतलब जीरो हो जाएगा। कौन जीरो हो जाएगा? कॉस एक्स नीचे कॉस है तो नीचे जीरो हो जाएगा। हाँ मतलब लापिटाल के लिए रेडी हो जाएगा ना, वो लापिटाल तो लगाना पड़ेगा बेटा। फिर अगर हम ऐसे करेंगे तो हाँ एक मिनट, तेरा कंफ्यूजन मैं अभी दूर किए देता हूं। तेरा मेथड अगर मैं अप्लाई करता हूं बेटा तो मेरा सम ये स्टेज पे पहुंचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो ये लॉग साइन एक्स भूल रहा है, साथ में ये भी है साइन एक्स लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब मानता हूं कि पाई बाय टू डालते ही कॉस पाई बाय टू जीरो हो गया, लेकिन साइन पाई बाय टू वन है। साइन पाई बाय टू वन है लेकिन साथ में लॉग साइन पाई बाय टू भी तो है सर। वो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग वन प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे और नीचे भी जीरो आएगा तो इज इक्वल टू वन। ए भाई ऐसा कुछ कर मत, जीरो के साथ खेलना इतना आसान नहीं है तू जैसे खेल रहा है। जीरो के साथ मत खेल बेटा, डोंट प्ले। एक सम में हो जाएगा, अगले सम में तकलीफ दिया तो क्या करेगा? यस सर। जीरो के साथ मत खेल, बहुत खतरनाक आदमी है वो। आर्यभट्ट सर ने कोई ऐसे ही जीरो इजाद नहीं किया है। अगर आर्यभट्ट सर ने जीरो की खोज की है तो जरूर किसी की बैंड बजाने के लिए की है। बच्चे को लगता है कि जीरो हैंडल करना बहुत इजी है, ना 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 ना। तो यहां मैंने टेन एक्स को लिख दिया अपॉन में कॉट एक्स। अब अगर मैं पाई बाय टू डाल रहा हूं
तो मेरे को न्यूमरेटर मिल रहा है लॉग साइन पाई बाई टू, एंड साइन पाई बाई टू इज वन, एंड लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है लॉग वन इज जीरो. डिनोमिनेटर बैठ रहा है कॉट पाई बाई टू. लेट्स नॉट फॉरगेट टैन पाई बाई टू इंफिनिटी होता है, कॉट पाई बाई टू जीरो होता है. मतलब ये सम अभी भी जीरो अपॉन जीरो पे टिका हुआ है, पर अब कम से कम अपॉन में फंक्शन तो आया, इसीलिए वो बोलेगा कि चल अब ले डेरिवेटिव, मतलब अब लगा लापिटल. लॉग साइन एक्स अपना डेरिवेटिव लगाने जाएगा तो बोलेगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो विच इज कॉस एक्स. और नीचे वाला कॉटेक्स अपना डेरिवेटिव करने जाएगा तो बोलेगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स. ये आएगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स. और भूलना नहीं है अपने को, ये आंसर लॉग एल का है. अगर ये भूले तो आंसर अपनी बैंड बजा देगा. ये आंसर जो आया है ये लॉग एल का है. ये समझा? इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर. ओके. हाँ, बीच बीच में मुझे कुछ डाउट्स है, कुछ भी है वो पूछते जाओ. एकदम लेक्चर मौन व्रत में जाता है ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खसक जाता है. ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू. ये जो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है वो हो गया कॉट एक्स, और ये जो माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स है ये अभी भी वैसे ही रहेगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स. अब वापस चेक करो, क्या अब लापिटल वैलिड है? टेल मी गाइस, क्या अब लापिटल वैलिड है? Yes guys, your reply. मीटिंग में हो ना? Yes sir. हाँ, तो yes, लापिटल sir. है yes, अब अभी लापिटल वैलिड है या नहीं है? तुमको लापिटल नहीं समझ में आया? जीरो अपॉन वन आ रहा है तो हाँ बराबर नहीं है, वैलिड करेक्ट नहीं है, लेकिन बोलने वाला चाहिए ना. अगर एक्स पाई बाय टू है तो कॉट पाई बाय टू भले जीरो होता है, एग्री, लेकिन माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाय टू जीरो नहीं देगा मुझे, क्योंकि कोसेक पाई बाय टू वन होता है, वन का स्क्वायर वन, पीछे माइनस लगा है तो माइनस वन. मतलब ये दोनों जीरो नहीं है, एक जीरो है और एक माइनस वन है. समझा? यस सर. यस, मतलब लापिटाल खलास. लापिटाल बोला मेरी लाइफ खत्म, तेरा आंसर जीरो अपॉन माइनस वन आ रहा है जो कि जीरो होता है. जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो. पर बेटा याद रखना, मुझे लॉग एल का आंसर नहीं चाहिए, एल का चाहिए, मेरे को लिमिट का आंसर चाहिए. पब्लिक तो लॉग एल आया तो खुश हो जाती है कई बार. मुझे लॉग एल का आंसर नहीं चाहिए, मेरे को एल का आंसर चाहिए, तो मैं वहां से लॉग हटाने की ट्राई करूंगा. अब लॉग हटाने की ट्राई करूंगा तो मेरा लॉग चैप्टर काम आएगा. बता, इस लॉग का बेस कितना है? ई. ई है, करेक्ट. तो अगर लॉग का बेस ई है तो बता एल कितना आया? याद कर, याद कर, कुछ सिखाया था. वन. वन ई रेस टू जीरो. ये जो बेस,
ये जो बेस है ये जंप मार के इधर जाएगा, ये पावर बन, ये बेस बन जाएगा और ये जीरो पावर बन जाएगा, याद है 11th में सिखाया था, यस इसीलिए भूल गए, मुझे मालूम है भूल गए थे, यू फॉरगॉट है ना। सर, एक्स इज हाँ इक्वल भूल गए थे वो पक्का है, नहीं तो आंसर आता था फटक से। 11वीं थी ना, 11th कौन पढ़ता है सर, 12th पढ़ेंगे ना अच्छे से, नॉर्मल है नॉर्मल है, आजकल के बच्चों का नॉर्मल है, कोई नया बात नहीं। मेरे शार्पवेल पे जो काले बादल मंडरा रहे थे उसकी आज बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसमें भी सब लोग मुझे यही बोल रहे थे, अनुराग सर क्यों इतना सीरियसली लेते हो, फीस लो बच्चे का और भूल जाओ ना, फीस लो और पढ़ाओ, दैट्स इट खत्म। उनका रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया, नहीं आया तो डांटने का, बच्चा आंसर ना दे तो चिल्लाने का, कुछ मिलना है क्या अपने को, सॉलिड है भाई। चार लोग मिलके मेरे को सुना रहे थे, क्या करूं भाई, शार्पल को जोड़ के रखना है, सुन के लिया उन लोग का, क्या कर सकते हैं। एल इक्वल टू वन पिछले सम में। अगला क्वेश्चन बोलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अभी भी शार्पवेल जुड़ा नहीं है, वो लोग ने टाइम मांगा है सोचने का, मैं बोला सोचो भाई सोचो, तुम आओगे तो भी शार्पवेल चलेगा, तुम नहीं आओगे तो भी चलेगा, आओगे तो तुम्हारा भी भला मेरा भी भला, नहीं आओगे तो थोड़ा थोड़ा नुकसान तो दोनों का है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 4 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस वन, प्लस वन होल डिवाइड बाय वन माइनस कॉसेक्स, वन माइनस कॉसेक्स, डिसाइड नाउ लापिटल वैलिड या नॉट वैलिड। आराम से डिसाइड, नो हरी, लापिटल वैलिड या नॉट वैलिड। वैलिड वैलिड इज वैलिड पक्का, यस सर, यस सर, चल वैलिड है बराबर, वैलिड है तो अगर लापिटल वैलिड है तो ये बोलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लगा डाल लापिटल, 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आया 4 रेस टू एक्स लॉग 4, क्योंकि ये एक तरह का ए रेस टू एक्स है, माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस 1 log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1, पर वो तो 1 ही होता है यार, होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव अलग से, यू बाई वी नहीं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, माइनस ऑफ माइनस हो गया साइन एक्स हो गया, कम ऑन ये समझा, यस सर, यस सर, डिसाइड करो लापिटल वैलिड नॉट वैलिड। लापिटल वैलिड नॉट वैलिड, वैलिड, करेक्ट, यस सर, वैलिड, करेक्ट।
तो अगर ये ऐसा जाएगा, x को 0 डाल दो, वैलिड है ना, पक्का? यस सर, हाँ, यस तो सर। फिर मैं करके नहीं दिखा रहा, मैं सीधा लापेटाल लगा रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये जो log 4 है ये तो कांस्टेंट है, और ये जो 4 रेस टू एक्स है उसका डेरिवेटिव है, वापस से 4 रेस टू एक्स log 4 आने वाला है, तो ओवरऑल ये बोलेगा log 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे दो log 4 आके जमा हो गए, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है और 2 रेस टू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, वापस वही आएगा 2 रेस टू एक्स प्लस 1 log 2, तो वापस से यहां पे log 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब नीचे का अलग से डेरिवेटिव लोगे तो cos x आएगा। बताओ लापिटल वैलिड है कि नॉट वैलिड है? नॉट नॉट वैलिड, करेक्ट। क्यों नॉट वैलिड? वैलिड करेक्ट, डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, cos 0 करूंगा तो डिनोमिनेटर 1 आ रहा है। चलो तो वैल्यू डालना चालू। अगर ये बोलता है वैल्यू डालना चालू, तो सबसे पहले उसने क्या किया, ये वाला जीरो डाला, 4 रेस टू 0 इज 1। अगर 4 रेस टू 0 इज 1 तो ये बोला log 4 द होल स्क्वायर, माइनस ये आएगा 2 रेस टू 1, क्योंकि 0 प्लस 1 पावर है, वो 2 छोड़ेगी एंड इट विल गिव यू 2 log 2 द होल स्क्वायर। डिवाइड में तो 1 ही आना है, cos 0 इज 1, तो डिवाइड का मेरे को टेंशन नहीं। फ्रैंकली बोलूं ये आंसर आया है, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन ने थोड़ी बहुत मस्ती की है। क्या मस्ती की है, आई शो यू। log 4 द होल स्क्वायर को एज इट इज रखा, माइनस ट्वाइस लॉग टू इन टू लॉग टू, ये जो 2 log 2 द होल स्क्वायर लिखा है उसको लिखा लॉग टू इन टू लॉग टू। अब ये जो पीछे 2 बैठा था ना, इसको इसने किसी एक के 2 की पावर में भेज दिया। कम ऑन, ये रूल समझा? यस सर, क्योंकि यस कोई सर। पावर वाला होता तो वही नीचे होता, तो उसने नीचे वाले को किसी एक की पावर में भेज दिया। पर प्रॉब्लम है, दोनों की पावर में नहीं भेज सकता, वो एक ही के पावर में भेज सकता है, तो ये भी log 4 हो गया। तो अब उसने log 4 एक कॉमन ही ले लिया, जैसे ही उसने एक log 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा log 4 माइनस log 2, और ये जो log 4 माइनस log 2 बचा, ये डिवीजन रूल के हिसाब से log ऑफ 4 अपॉन 2, दैट इज log 2। तो मेरा आंसर ये आ रहा है log 4 इंटू log 2। समझा? यस सर, यस सर, यस सर। सो दिस इज व्हाट द गिमिक मतलब सम्स माइट प्ले। सम खेल सकता है इस तरह के गिमिक्स, खेल सकता है कि तुम्हें आंसर तो आ गया बट डोंट बी हैप्पी, थोड़ा सा मैं अलग दे रहा हूं। इनफैक्ट देने को वो अभी भी थोड़ा और अलग कर सकता है। अब ये जो log 4 है, अब वो इसको लिखेगा log ऑफ 2 स्क्वेयर, फिर उसको 2 log 2 लिखेगा, और फिर ये log 2 आगे वाले log 2 से मल्टीप्लाई होके log 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर भी हो सकता है। अब ये सब कुछ तो मेरे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर देगा, मतलब वो तुमसे लिमिट्स तो लगवा ही रहा है, डेरिवेटिव्स लगवा रहा है लापिटाल के थ्रू, और बाद में तुम्हारी नॉलेज चेक कर रहा है ऑफ लॉग। बहुत कुछ कर दिया रे बाबा उसने, बहुत कुछ। हाँ समझा? यस सर, यस। चलो ये वाला क्वेश्चन अब। हाँ बेटा बोल बोल बोल, डाउट है? चलो कोई बात नहीं, डाउट है तो बोल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ,
पाए कॉस स्क्वायर एक्स. तो इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन पाए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. बोलो बेटा, अगर लापिटा लगा भी तो कितनी बार लगेगा? टू टाइम्स. करेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो इंटू जीरो है. मुझे लगा के आंसर निकाल के दो, बताओ क्या आ रहा है. तुम लोग करो, मैं नहीं कर रहा. अब मुझे देखना है तुम लोग लापिटाल से कितनी स्पीड में आंसर लाते हो. मेरी वॉच मेरे सामने है, मैं देख रहा हूं. कम ऑन, एक मिनट हो गया. माइनस फाइव. माइनस कितना? फाइव या पाई? फाइव. फाइव माइनस फाइव. थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, चेक कर. तुमने 2 मिनट लिया है पूरा और उसके बाद भी रॉन्ग आंसर. 2 मिनट लगने के बाद तो रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए. सब पाए. हाँ, पाए आएगा. पाए आएगा, माइनस पाए नहीं आएगा. लेकिन स्टिल बोलूंगा 2 मिनट लिया बेटा, ज्यादा है. लापिटाल हाथ में था तो 2 मिनट नहीं लगना चाहिए था, ज्यादा लिया. जब इसमें लापिटाल लगाऊंगा तो इट विल से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये साइन ऑफ है तो ये बनेगा कॉस. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, लेकिन क्या? हाँ पर हाँ नहीं नहीं, पर क्या करें ना, आज साइक्लोन की वजह से इंटरनेट का भारी प्रॉब्लम हुआ है. हाँ, कॉस ऑफ पाए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाए कॉस स्क्वायर एक्स. उसमें अगेन पाए को कुछ नहीं हुआ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बैठेगा 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, वो बैठेगा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 2x. तुमने इसके बाद भी लापिटा लगाया, जरूरत नहीं था. साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया था. देखो, आप ये साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 बोल देते, 2 2 कैंसल कर देते और बाकी में वैल्यू डाल देते. अगर तुमने 2 बार लापिटाल लगाया तो तुम्हारा टाइम ज्यादा यूज हुआ. जैसे ही मुझे साइन एक्स अपॉन एक्स दिखाई दिया, मैं तो 1 की तरफ भाग गया. ये मेरे को बैठा माइनस कॉस पाई इंटू बाहर वाला पाए इंटू कॉस जीरो विच इज 1, बाकी सब तो कट गया है.
कॉस पाई खुद माइनस वन होता है, तो इट इज माइनस ऑफ माइनस वन इन टू पाई एंड हेंस द आंसर इज पाई. समझा? यस सर. जिन लोग को आंसर नहीं आया उनके लिए, पर इसमें आंसर नहीं आने जैसा कुछ था नहीं. थोड़ा गट्स दिखाओ बेटा, थोड़ा गट्स दिखाओ कि सर थई जैसे हम करेंगे, थई जैसे. लुक, क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो. क्वेश्चन फेंकता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर. तो इट इज वन प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर. तो ये आएगा वन प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर होल पावर में वन बाय एक्स स्क्वेयर. क्या लगता है क्या आएगा, कैसे करने का? सर हम पहले लॉग लगाएंगे. फ्रैंकली बोलूं बहुत वो टाइम कंज्यूमिंग है लॉग लगा के लापेटाल लगाना. इसमें 11th स्टैंडर्ड का मेथड जल्दी काम करेगा. वन प्लस के बाद फाइव एक्स स्क्वायर है, प्लस के बाद वन प्लस के बाद फाइव एक्स स्क्वायर है, तो उसको पावर में वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर लगेगा. तो मैंने पावर में ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय फाइव कर दिया, डिवाइड में भी वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है, इससे पावर में वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर लगेगा. उसके पास सिर्फ वन अपॉन एक्स स्क्वायर था, उसने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय थ्री कर दिया. तो इतने पैटर्न का आंसर ही होता है, याद है लिमिट्स में? यस सर. इतने पैटर्न्स का आंसर ही होता है. तो ये आंसर फेंकेगा ई रेस टू फाइव अपॉन ई रेस टू थ्री, खत्म. ई रेस टू टू. अगर तू इसमें लॉग लगा के लापेटाल लगाएगा तो उल्टा टाइम ज्यादा जाएगा. इसमें 11th स्टैंडर्ड ने गेम जल्दी खत्म किया. क्लियर है? यस सर. यस सर. तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमेशा लापेटाल ही अपने को बचाने आने वाला है. नहीं, कभी कभी 11th का मेथड ज्यादा फटाफट आंसर खत्म कर सकता है. तो सर कैसे डिसाइड करने का, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे इंट्यूशन के ऊपर है. मैं नहीं बोलता कि लापेटाल लगाने से बहुत टाइम लगेगा. अगर कुछ नहीं क्लिक हुआ तो लापेटाल हाथ में है ही, लेकिन फिर लापेटाल से ज्यादा टाइम लग रहा है और इससे कम. चल एक इंटरेस्टिंग वन बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग वन है. क्वेश्चन बोलता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स, बस इसका आंसर चाहिए. लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स. क्या बोलते हो क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स. टेक योर ओन टाइम. प्लस माइनस वन, गुड. बट कैन अ लिमिट का आंसर भी प्लस माइनस?
प्लस और माइनस वन? नो सर. यस दैट्स व्हाट आई हैव अ डाउट. एक्चुअली एक बार यहां मॉड आ गया ना, गेम खतरनाक हो गया. खतरनाक नहीं लेकिन नॉलेजेबल. मॉड आ गया तो नॉलेजेबल गेम हो गया. हमने फंक्शंस में किया था मॉड एक्स का ग्राफ, ओरिजिन पे वी शेप, याद है? यस सर. ओरिजिन पे वी शेप. अब ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन का जरा सा राइट पकड़ोगे ना तो इक्वेशन एक्स है, और ओरिजिन का जरा सा लेफ्ट पकड़ोगे ना तो ये माइनस एक्स है. ओरिजिन के राइट में ये एक्स है, ओरिजिन के लेफ्ट में ये माइनस एक्स है. यानी ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मेरे लेफ्ट और राइट में डिफरेंस है. अगर मैं जीरो फ्रॉम लेफ्ट लेता हूं, दैट इज योर कंटिन्यूटी का कंसेप्ट. अगर मैं जीरो फ्रॉम लेफ्ट लेता हूं तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, तो ये बैठेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, कट कटा के माइनस वन. तो इस लिमिट का आंसर आया माइनस वन. और अगर वो यही लिमिट राइट में जाके पूछेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट, तो राइट में तो इस मॉड एक्स की इक्वेशन एक्स है, तो ये आएगा एक्स अपॉन एक्स, जिसका कट कटा के आंसर आएगा वन. मतलब ये बोल रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट. याद रखना, ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है नॉट डिफाइंड, या फिर ऑप्शन में दिया रहता है डज नॉट एग्जिस्ट. समझा? Yes, sir. हाँ, ये बहुत ट्रिकी गेम था. नॉर्मली ये ट्रिकी है, तुम्हें कोई ये मॉड संभालने को आना चाहिए. इनफैक्ट मॉड ही नहीं, मॉड कहाँ कहाँ आ सकता है वो वाले सम्स भी संभालने को आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे पूछा होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रूट ऑफ वन माइनस cos 2x whole divide by x, limit x tending to 0 root of 1 minus cos 2x whole divide by x. ये भी कैसा बनेगा? तो ये भी बोलेगा limit x tending to 0 रूट ऑफ, टेल मी, अपने को वन माइनस कॉस टू एक्स क्या लिखने की आदत है? टू साइन स्क्वायर एक्स. करेक्ट, टू साइन करेक्ट. वन माइनस कॉस टू एक्स लिखा जाना चाहिए टू साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में एक्स है. नाउ 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 द रूल सेज दैट जो कांस्टेंट है वो तो रूट के बाहर प्यार से आ जाता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो इतना प्यार से नहीं आता है, मॉड डाल के आता है. रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट साइन एक्स, इट इज मॉड साइन एक्स. ये समझा? यस सर. यस सर. हाँ देख लो, नहीं समझा तो बताओ मेरे को. ये होता है मॉड साइन एक्स. यानी कंसेप्चुअली बोलूंगा तो अगर कोई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेगा ना, तो मैं एक्स बोलने का हक एक्चुअली नहीं रखता, मेरा हक है मॉड एक्स बोलने का. अगर मैं मॉड एक्स बोलता हूं तो टेक्निकली ये राइट है. अगर मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स बोलता हूं तो वो लूजली राइट है. लूजली हम लोग उसको बोलते हैं लूज. फिर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि उसने लूज ऑप्शंस दिए हैं कि मजबूत ऑप्शंस दिए हैं. तो ये कंसेप्ट है.
जो बच्चे को आना चाहिए। अब ये मॉड साइन एक्स है तो बच्चों को मॉड साइन एक्स का ग्राफ भी आना चाहिए। नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ कैसा था? तो इट वॉज लाइक दिस एंड देन द होल थिंग गोज लाइक दिस, इवन पीछे भी, क्योंकि मॉड ने बोला था हम तो नीचे रहेंगे ही नहीं, जो भी ग्राफ का नीचे वाला हिस्सा होगा वो जंप मार के ऊपर आ जाएगा, तो हम तो ऐसे रहेंगे। अब ये पूछ रहा है मुझे टेंडिंग टू जीरो पे। अब जीरो पे हालत ये है, इस तरफ जाएगा तो साइन एक्स है और इस तरफ जाएगा तो माइनस साइन एक्स है, क्योंकि इसका एक्चुअल ग्राफ पीछे की तरफ ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता नीचे वाला तो ये साइन एक्स ही होता, माइनस साइन एक्स नहीं होता। लेकिन सिंस उस ग्राफ ने अपने आप को फ्लिप मारा है यानी ऊपर ले लिया है, तो ये माइनस साइन एक्स। पता नहीं कुछ माले पे जा रहा है। yes, तो yes, याद रखना इस पूरे सम का आंसर प्लस और माइनस रूट टू आने वाला है। राइट में जाओगे तो प्लस वन और इंटू रूट टू, लेफ्ट में जाओगे तो माइनस वन एंड इंटू रूट टू, यानी लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट अलग अलग आने वाली है। एंड हेंस ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यस सर। चिंता नहीं करो, हम लोग और बहुत सारे सम्स करेंगे। हाँ, टेल मी, लापिटाल का लिमिट्स का पिक्चर, शॉर्टकट्स कुछ क्लियर हुए? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, तो अभी मार्वल से लिमिट्स सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है ना? यस सर। अगले लेक्चर तक, अगले लेक्चर तक मुझे सभी बच्चों का टिल क्वेश्चन नंबर 210 कंप्लीट चाहिए। अगले लेक्चर तक मतलब मंडे तक, अगले मंडे तक मुझे 210 सम कंप्लीट चाहिए। समझा? Yes, sir. मतलब अपना वही पुराना टारगेट, रोज के 30 MCQs। मेरा टारगेट नहीं चेंज हुआ है, वही है, रोज के 30। तो रोज के 30 करो और अगले मंडे मुझे 210 तक में डाउट पूछो। ओके? यस सर। यस सर। यस सर।